आइए इस वीक के कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में देखते हैं। पीएम मोदी ने पिक्चर शेयर किया जिसमें जी समिट के साथ अदर वर्ल्ड लीडर भी उनके साथ खड़े हैं। आगे देखें तो G7 इस साल इटली में हो रहा है और ये 50th G7 समिट है और ये 13 जून से लेके 15 जून तक चलेगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस किए गए हैं वो इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, इसके अलावा रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और ग्लोबल मिनिमम टैक्स के बारे में, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के बारे में इसमें बात हुई। इसमें पहली बार पोप फ्रांसिस भी हिस्सा लिए जो इनका फर्स्ट एवर अपेरियंस था और इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में बात की। इसके बाद G7 लीडर ने एक लोन ऑफर के बारे में भी यूक्रेन से समझौता किया जिसमें वो 15 बिलियन लोन देंगे यूक्रेन को डिफरेंट कंट्री मिलके। उसी में सबसे पहले जापान ने एक डील साइन किया जो 10 ईयर का बायलेटरल सिक्योरिटी डील होगा जिसमें वो $4.5 बिलियन हर साल यूक्रेन को देगा और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता रहेगा। इसके बाद बात करें तो इसके साथ जापान के साथ US ने भी सेम तरीके की डील साइन की है जिसमें वो साइबर डिफेंस और इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड कॉपरेशन के बारे में सपोर्ट करेगा यूक्रेन को। इसमें कोई भी ट्रूप US उनको नहीं देगा, सिर्फ ये डिफेंस और फाइनेंशियल डील ही रहेगी। थैंक यू।